वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वराह अवतार की पाप नाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वो देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकश्यपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सबके अधिकार छीन कर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह का स्तवन किया। पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्रीहरि की शरण में गए। भगवान ने उन्हें अभयदान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो वे अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वो वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, भुवरलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्रीहरि ने बलि को सूतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्रीहरि का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा। सुनो, देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्रीहरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्दत स्वभाव के हो गए हैं तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जबदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वो वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वो बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उन्हें सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मनु से कामधेनु को अपने लिए मांगा किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। ये समाचार पाकर परशुराम जी ने हय पुरी में जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए हुए थे, कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम जी लौट कर आए तो पिता को मारा गया देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। श्री रामावतार वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था।
इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद कहते हैं, वाल्मीकि जी, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्तु मनु का जन्म हुआ है। उसके बाद वैवस्तु मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में ककुस्थ नामक राजा हुए। ककुस्थ के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु चार रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋषिशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने उन्हें यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दे। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दलबल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में भी रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्रीराम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए। शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदनंतर महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी दो कन्याएं थीं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदनंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन परशुराम को जीतकर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजीत की राजधानी को चले गए। अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ही पिता माता आदि की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो, अतः कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को ये शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को ये कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी के मंत्रा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वो सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा बोली, कैकेयी तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है।
ये तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकई को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम हैं वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकई से कहा। मंथरा बोली, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकई, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपने विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दो वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वो कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ गई। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकई के भवन में आए तो उसे रोष से भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूं। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो। कैकई बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूं राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करे और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकई से कहा। दशरथ बोले, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकई, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे, मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है तो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है, पापिनी। मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकई ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकई को प्रणाम करके उनकी प्रदीक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पुरवासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकई का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगेश्वरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राजगुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंदगी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो वे प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया।
चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। ये देख श्री राम ने उसके ऊपर सिंह के अस्त्र का प्रयोग किया। तब वो कौवा देवताओं की आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमार अवस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द भेदी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातूर होकर प्राण त्याग रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद ना होगा। कौशल्ये, आज उसका शाप मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हा राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा, महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गई। प्रातः काल जगाने वाले सुत, मागध और बंदी जन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे ना जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नरनारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ डाल दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैल पूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूं, अब उन्हें यहां लाने के लिए वन में जाता हूं। ऐसा कहकर वे वहां से दलबल सहित चल दिए और श्रृंगेश्वरपुर होते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुंचे। वहां भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। ये सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ, मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे।